नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ संध्या। हरिद्वार के सिडकुल क्षेत्र में एक व्यक्ति को अपना केवाईसी अपडेट कराना महंगा पड़ गया। ठगों ने उसके खाते से 3.24 लाख रुपए उड़ा लिए। वहीं शिकायत पर जल्द से जल्द कार्रवाई करते हुए साइबर सेल ने 2 लाख रुपए वापस दिला दिए। सर, हमारे साथ ऑनलाइन उन्होंने कहा था कि आप केवाईसी करवाइए और उस पर पैन कार्ड नंबर वगैरह डालने के लिए। तो जैसे हमने केवाईसी करने के लिए पैन कार्ड नंबर डाला तो उस पर ओटीपी का मैसेज आया। मैसेज जैसे आया वैसे मैंने जैसे उसको ओटीपी डाला तो पैसे 3 बार डाला, तीनों बार कट गए और कटने का इकट्ठे बाद में मैसेज आया। जैसे आया फिर मैंने फ़ोन काट दिया और मैं तुरंत ऑनलाइन संपर्क किया और कस्टमर केयर में फ़ोन किया। उन्होंने फिर मेरा अकाउंट ब्लॉक किया और फिर मैं उसी के तहत जो भी मतलब कार्रवाई करनी थी मैंने किया। कितना कितना अमाउंट था और कितना वापस आया? 3,24,998 था, जिसमें से 2 लाख रुपया आ गया। जो वापस आया वो किसने दिलाया है? वो हमारे साइबर सेल में और पुलिस विभाग से जितने भी मतलब वो हैं उन्होंने दिलवाया। और मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ लोगों को कि कभी भी इस तरह के कोई मैसेज आए उस पर ध्यान ना दें, क्योंकि बैंक कभी भी ये सब चीज़ों के लिए मतलब वो नहीं करती है। कुछ भी हो तो ब्रांच में ही जाके करना चाहिए। पीड़ित ने पुलिस को धन्यवाद दिया है। पुलिस के मुताबिक रामेश्वर यादव ने अपनी बहन की शादी के लिए बैंक खाते में नकदी जमा कराई थी। रामेश्वर के मोबाइल पर अनजान नंबर से कॉल आई थी। बात करने वाले ने खुद को बैंक कर्मी बताते हुए केवाईसी के नाम पर खाते से जुड़ी जानकारी ले ली। इसके बाद खाते से 3.24 लाख रुपए गायब हो गए। देखिए नौशाद अली की रिपोर्ट। सिडकुल निवासी श्री रामेश्वर यादव जो है, इनके साथ एक घटना हुई थी जिसमें इनको केवाईसी अपडेट करने के नाम पे एक लिंक भेजा गया, एक कॉल आया था इनको, उन्होंने लिंक भेजा इनको और उस पर इनकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन थी वो शेयर की गई और उस जो इन्फॉर्मेशन शेयर की गई उसके चलते इनके खाते से लगभग 3,25,000 रुपये इनके खाते से डिफ्रॉड किया गया। तो उसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए साइबर सेल ने जो हमारी प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को फॉलो करके उसमें से 2 लाख रुपये जो है इन्हें वापस दिलवाए। और इसके साथ हम बाकी लोगों से भी अपील करना चाहते हैं कि बार बार रिक्वेस्ट और बार बार प्रचार करने के बावजूद भी इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं तो अपनी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन किसी से भी शेयर मत कीजिए और किसी भी प्रकार का साइबर फ्रॉड होने पर तुरंत 1930 नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, इस पर आप 1930 नंबर पर तुरंत इस पर अपनी शिकायत दर्ज कराएँ, जिससे कि हम लोग जल्दी से जल्दी कार्रवाई करके यदि आपके साथ कोई फ्रॉड हुआ है तो उसमें हम लोग रिकवरी कर सकें।